बांका जिला से एक बड़ी खबर आ रही है। बांका के नवटोलिया में मदरसा में भीषण विस्फोट हुआ है, जिससे मदरसा पूरी तरह ध्वस्त हो गया है। अभी इसका जांच हम लोग कर रहे हैं। नवटोलिया है, बांका थाना अंतर्गत। यहाँ ये मस्जिद के आगे में मदरसा है। मदरसा अभी लॉकडाउन में बंद पड़ा हुआ था, लेकिन आज प्रातः लगभग 8 बजे ब्लास्ट की सूचना मिली। बांका जिले के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत नवटोलिया गांव के मस्जिद परिसर में स्थित मदरसे में भीषण विस्फोट हुआ है। विस्फोट इतना जबरदस्त था, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि विस्फोट की वजह से पूरा मदरसा ध्वस्त हो गया। विस्फोट के बाद घटनास्थल के आसपास उठे धुएं के गुबार से बिल्कुल अंधेरा छा गया। विस्फोट की गूंज दूर दूर तक सुनाई दी। विस्फोट की आवाज सुनकर आसपास के इलाके के ग्रामीण भयभीत हो गए और एक दूसरे से पूछताछ करने लगे। बांका जिला मुख्यालय स्थित चांदन नदी के उस पार सदर थाना क्षेत्र में नवटोलिया गांव स्थित है। इस गांव के मध्य एक बड़ी मस्जिद है और मस्जिद परिसर में मस्जिद के सामने वाले हिस्से में मदरसा चलता है। इसी मदरसे में विस्फोट हुआ है। आधिकारिक तौर पर हालांकि इस विस्फोट में किसी के हताहत होने की पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन चर्चा के मुताबिक विस्फोट में कुछ लोगों के हताहत होने की बात भी कही जा रही है। घटना की सूचना मिलने के बाद बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों के साथ वरीय पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए। मामले की छानबीन की जा रही है। मामले की पड़ताल के लिए फॉरेंसिक टीम को भी बुलाने की बात कही जा रही है। विस्फोट के बाद मस्जिद और मदरसे से जुड़े लोग फरार हो गए हैं। गांव से भी अनेक लोगों के फरार हो जाने की खबर है। सुरक्षा बलों के साथ वरीय पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर कैंप कर मामले की जांच कर रहे हैं। मंगलवार की सुबह जब मदरसे में विस्फोट हुआ तो वहां धुएं की वजह से अंधेरा छा गया था। जोरदार आवाज के साथ पूरा मदरसा गिरकर ध्वस्त हो गया। नवटोलिया के पास से स्थित चमरेली एवं मजलिसपुर गांव के कुछ लोग दौड़कर उस तरफ देखने गए, लेकिन उन्हें विस्फोट वाले परिसर में घुसने नहीं दिया गया। अभी इसका जांच हम लोग कर रहे हैं। नवटोलिया है, बांका थाना अंतर्गत। यहाँ ये मस्जिद के आगे में मदरसा है। मदरसा अभी लॉकडाउन में बंद पड़ा हुआ था, लेकिन आज प्रातः लगभग 8 बजे ब्लास्ट की सूचना मिली। तुरंत हमारी टीम हम लोग पहुँचे हैं। छत गिरा हुआ है, बाहर से बंद था दरवाज़ा इसका। ब्लास्ट कैसे हुआ ये भी हम लोग नहीं कर सकते। एफएसएल की टीम हमारी आ रही है। एफएसएल की टीम के जांच के बाद ही हम लोग बता पाएंगे कि ब्लास्ट किस चीज़ का। सर, प्रथम दृष्टया कुछ लग रहा है यहाँ बम कुछ स्पॉट उस रंग का नजर आ रहा है। अभी हम लोग कुछ नहीं बता सकते। ये एफएसएल की टीम इसी की विशेषज्ञ है। हम लोग सिर्फ देख रहे हैं कि ब्लास्ट है। आप भी देख रहे हैं छत गिरी हुई पूरी हेवी ब्लास्ट है। ये तो कह सकते हैं कि दो तरह की बातें आई। प्रारंभिक तौर पर सूचना ये थी कि गैस सिलेंडर फटा है, हुआ है, लेकिन हम लोग जब तक इसके मलबा को नहीं हटाया जाएगा, इसके अंदर क्या है, इसकी किस तरह के एग्जिबिट हैं, उसकी जांच नहीं एफएसएल की टीम कर लेती है, हम लोग विस्फोट का कारण नहीं बता पाएंगे। जख्मी वगैरह के बारे में कुछ पता भी अभी सूचना नहीं है। हम लोग ट्रैकर भी मंगा रहे हैं, डॉग स्क्वाड भी आएगा, हम लोग उसको भी ट्रैक करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। अभी तक कोई जख्मी का भी कहीं से कोई सुराग नहीं है। कोई आसपास के लोगों से भी इस तरह का कोई बात नहीं आ रही है, लेकिन वो सारी बात हम साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के बाद ही जो हमारा चल रहा है हम लोग कर रहे हैं। 2-3 घंटे में उपयोग करना। थैंक यू सर। कुछ लोगों ने घटनास्थल की घेराबंदी कर रखी थी। बांका से कुंदन कुमार की रिपोर्ट।